उसके बाद
भाई फी से। और देखो मैं नीचे साथ अब खुश हूँ। क्या? वाओ रियली? और मेरी बहन का क्या जो तुम्हारे बिना पल पल तड़प रही थी, उसके बारे में तुमने नहीं सोचा? जंको को तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। वेल तुमने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन अब मैं उसे जिंदगी भर कवाली कर तो नहीं रखने वाला, इसलिए मैंने उसकी शादी तय कर दी। पर वो शादी से भाग गई। देखो यूनजिन, लीजा मेरे साथ है, मतलब मेरे घर पर। व्हाट? वो तुम्हारे साथ? लीजा तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? देखो वो बहुत घबराई हुई है, उसने मिस्टर वैन से शादी नहीं करनी है। और देखो तुम्हें भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। अगर वो मिस्टर वैन से शादी नहीं करना चाहती है तो तुम्हें भी उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। तुम मुझे मत सिखाओ जंको, तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स ने फोर्स किया था, पर तुमने तो मेरी बहन को छोड़ दिया ना अपने मॉम डैड के कहने पर, उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो बस मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। अगर तुम्हें लीजा की फिक्र है तो फिर तुम लीजा को अपना लो और तुम्हारी वाइफ को डिवोर्स दे दो। ऐसा नहीं होता है इंजीन, शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि जब जी आए तब कर ले और जब जी आए तब तोड़। देखो वी मेरी अब वाइफ है, वी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड यूनजी। और मेरी बहन का क्या? वो कि तुम्हारी याद में बस ऐसी तड़पती रहेंगी, मरते रहेंगी। देखो अगर तुम उसे नहीं अपनाओगे तो फिर मुझे मजबूरन उसकी शादी मिस्टर वैन से करवानी होगी। ऑप्शन तुम्हारे हाथ में है, तुम ही डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। बाय। ये यूनजी सच में पागल हो चुका है, इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे लीजा से बात करनी होगी कि वो, पर लीजा को मैं क्या समझाऊंगा? वो तो खुद बेचारी इतनी मुसीबत में है। और दूसरी तरफ फी, मैं फी को भी धोखा नहीं दे सकता। जंकुक फी, तुम देखो वो लीजा, मैं जानती हूँ जंकुक, और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखो तुम जो भी डिसीजन लोगे ना मुझे वो मंजूर होगा। अगर तुम लीजा को अपनाना चाहते हो तो तुम उसके साथ रह सकते हो, मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी। वैसे भी तुम्हारे और लीजा के ब्रेकअप की वजह मैं हूँ, मैं ही तुम्हारे बीच में आई। देखो भी ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्लीज आइंदा से ऐसा कुछ भी मत कहना। मॉम डैड, हाँ भले ही मुझे मॉम डैड ने कहा तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं खो सकता। लेकिन जंकुक लीजा का क्या? वो भी तो आपसे प्यार करती है, और फिर तुम उसकी फिक्र। मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। और हाँ एक बात है कि लीजा सच में मुझसे बहुत प्यार करती है, और एक टाइम था जब मैं भी उससे प्यार करता था भी। देखो प्लीज तुम बुरा मत मानो, मैं जानती हूँ जंकुक कि तुम लीजा से प्यार करते थे। एक्चुअली शादी से पहले मुझे मॉम ने सब कुछ बता दिया था, मैंने मॉम से मना भी किया था कि वो मेरी शादी आपसे ना करवाए, लेकिन मॉम को लगता था कि लीजा आपके लिए ठीक नहीं है। हाँ वो मॉम को लीजा पसंद नहीं थी ना, इसलिए उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। लेकिन ट्रस्ट में भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं लीजा से प्यार नहीं करता सच में। मैं जानती हूँ जंकुक, लेकिन अभी लीजा तुम्हारे पास आई है, वो परेशान है तो उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना अभी? मुझे खुद से भी ज्यादा तुम पर विश्वास है जंकुक, और मैं जानती हूँ कि तुम लीजा के लिए जो भी डिसीजन लोगे वो सही लोगे, और तुम मुझे भी नाराज नहीं करोगे जंकुक। आई होप कि मैं ऐसा ही कर पाऊँ और हम दोनों हमेशा साथ रहें। शुगा तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? हॉस्पिटल में? हाँ जी मैम, चलो मेरे साथ। शुगा तो तुम आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। हाँ डॉक्टर जिमिन, ये डॉक्टर नैनी है। हेलो डॉक्टर। देखो जिमिन, मुझे शुगा ने तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में बताया है। मैं जानती हूँ कि एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद तुम माँ नहीं बन सकती हो। जी डॉक्टर, देखो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी लाइफ में ये खुशी की तो करती हो। लेकिन डॉक्टर, मेरा जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था उन्होंने कहा था कि मैं इसके बाद कभी माँ नहीं बन सकती। देखो जिमिन, तुम तो पढ़े लिखे हो और आजकल तो साइंटिफिकली बहुत सारे मेडिसिन और एक्सपेरिमेंट्स निकले जिसके कारण ना उम्मीद से भी हमें उम्मीद मिल सकती है। मतलब डॉक्टर मैं कुछ समझी नहीं। जिमिन देखो, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें अब बिना बताए यहाँ पर लेकर आया। देखो जिमिन, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के साथ मैं शुगा की चाइल्डहुड फ्रेंड भी हूँ, इस वजह से शुगा ने मुझसे ये बात शेयर की। और हाँ,
मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। देखो तुम माँ बन सकती हो। क्या सच सच में डॉक्टर? हाँ देखो जिमी, वैसे तो सैरोगेसी भी है, लेकिन इस जनरेशन में सैरोगेसी करना मतलब ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सी ऐसी मदर्स होती है बाद में वो अपना डिसीजन चेंज कर देती है। इसलिए मैं तुम्हें सैरोगेसी का ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं दूंगी, बिकॉज शुगा मेरा फ्रेंड है तो मैं उसे भी कोई प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। तो नैनी हम क्या करेंगे? देखो शुगा, सैरोगेसी के अलावा एक और ऑप्शन है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इससे तुम दोनों पेरेंट्स बन सकते हो, आई मीन कि जिमिन तुम मॉम बन सकती हो, लेकिन ये हाँ इससे तुम खुद तुम्हारा बेबी बर्थ कर सकती हो जिमिन, और इसके लिए तुम्हें किसी की भी परमिशन या फिर किसी की भी राय की जरूरत नहीं है, तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। और वैसे भी ये बहुत सिंपल होता है, IVF हर पेरेंट्स जो पेरेंट्स नहीं बन सकते उनके लिए बहुत अच्छा है। सो आई आपको पता ही होगा IVF क्या होता है, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अगर जिन्होंने 10th में साइंस पढ़ा हो और वैसे जिसने साइंस लिया हो उन्हें तो पता ही होगा कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सो आप लोग समझ जाओ। तो डॉक्टर हम सच में ऐसा कर सकते हैं? जिमिन यू आर सो लकी कि तुम्हें शुगा जैसा हस्बैंड मिला है जो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है, वरना आज के जमाने में हस्बैंड्स जो वाइफ उन्हें ये खुशी नहीं दे सकते वो उन्हें डिवोर्स दे देते और दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन शुगा ने तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ सोचा और वो मेरे पास आया और मैंने शुगा को ये सब बताया। सच में जिमी यू आर सो लकी। थैंक्स डॉक्टर। वेल तुम्हें सुनकर जेलसी होंगी, लेकिन कॉलेज टाइम में मैं शुगा को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन वो तब से तुम्हारे पीछे पागल था। वेल मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि तुम दोनों साथ में हो और तुम्हारी शादी भी हो चुकी है और अब तुम अपनी लाइफ का एक और अब तुम दोनों अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। सो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। वेल ये सारी बातें छोड़ते हैं और मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट का टाइम देती हूँ, तुम्हें मंडे को आना है। तो शुगा जी मैं तुम दोनों रेडी रहना मंडे के लिए, हम मंडे को ही ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जिमिन तुम्हें अपनी वो सारी खुशियाँ मिल जाएंगी जो तुम अपने लाइफ में चाहते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू शुगा को कहो, ये सब शुगा के कारण ही हुआ है। अगर वो मेरे पास नहीं आता तो शायद मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाती, तो तुम थैंक यू शुगा को ही कहो। ओके वेल मुझे एक ऑपरेशन के लिए जाना है तो मैं चलती हूँ। डॉक्टर नैनी वहाँ से चली जाती है। थैंक यू सो मच शुगा, मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। मैंने कहा था ना जिमी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और अब देखो अब सब कुछ ठीक हो भी रहा है और अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके जिमी थैंक यू सो मच शुगा, मैं जितनी बार तुम्हें थैंक्स कहूँ मेरे लिए बहुत कम। पर जिमी अपने हस्बैंड को बोला कोई थैंक्स कहता है क्या? अब थैंक्स मत कहो ओके, और तुम बस हंसते रहो कर, तुम रोते हुए और उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बस हैप्पी रहा करो। भी मेरा एक काम कर दूंगी क्या? हाँ बोलो जमको, तुम लीजा को कुछ खाने को लेकर आऊंगी? एक्चुअली मुझे एक काम है तो मैं वो करने के लिए जा रहा हूँ, मैं आई प्रॉमिस मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके जमको जल्दी आ जाना। हाँ और अगर लीजा मेरे बारे में पूछे तो उसे कह देना कि उसे कुछ ऑफिस का काम था इसलिए हो गया, वो जल्दी आ जाएगा। ओके जमको तुम जाओ, मैं लीजा के पास हूँ। फिर जमको कितना देखकर वहां से चला जाता है और बीबी लीजा के रूम में जाती है। लीजा मैं अंदर आ जाऊँ? ओ वी तुम लीजा तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली जंगक ने मुझे कहा है कि तुम्हें कुछ खाने को दे दूँ, तो मैं तुम्हारे लिए ये जूस लेकर आई हूँ और ये कुछ स्नैक्स है, तुम इसे खा लो। वी जंगक कहाँ है? वो उन्हें ऑफिस का कुछ काम था तो ऑफिस के लिए गए हैं। क्या वो मुझे छोड़कर चला गए? वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखो जंकुक ने कहा है कि वो जल्दी आ जाएंगे, तुम तब तक के लिए सब खा लो। हाँ वैसे बीबी तुमसे एक बात पूछूं? हाँ लीजा पूछो। जंकुक तुम्हारे साथ खुश रहता है क्या? देखो मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं होगा, क्योंकि वो तो मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। क्या देखो लीजा ऐसा कुछ नहीं है जंकुक मेरे साथ, देखो तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है भी, तुम मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड मानकर मुझसे बात शेयर कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम और
बिकॉज जंको क्लब्स में वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और उसने खुद मुझसे बात की। तुम जानती हो भी अभी भी जब जंकुक मेरे पास था तब उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। क्या जंकुक ने तुम्हें ऐसा कहा? हाँ, उसने मुझसे ऐसा ही कहा और वो ये कह रहा था कि जो खुशी मैं उसे दे सकती हूँ वो तुम कभी नहीं दे पाओगी और तुम तो उसकी लायक की हो भी नहीं। आई एम सॉरी, मैं तुमसे कह रही हूँ। वैसे मुझे जंकुक ने तुम्हें बताने के लिए मना किया था लेकिन मैं क्या करूँ। वो देखो लीजा, तुम ये सब खा लो, मैं चलती हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके, फिर भी वहाँ से चली जाती है। जंकुक ने लीजा को ऐसा क्यों कहा कि वो मेरे साथ खुश नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करते? सच में जंकुक मुझसे प्यार नहीं करता है? सो आमी ये बात यही एंड करते हैं। अगर आपको स्टोरी बोर लग रही हो तो प्लीज कमेंट में बताना। आई नो आपको स्टोरी बोर लग रही हो, पर मैं इसके ज्यादा पार्ट्स नहीं बनाऊंगी, मैं इसे जल्दी एंड कर दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।